गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरे यस्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिश्रिता सर्वयुपनिषदो गावो दुग्धोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महा एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतं एको देवो देवकी पुत्र एवा एको मंतरस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। श्रीमद् भगवद् गीता हम लोग भगवान जी की कृपा से उनके ही द्वारा उन्हीं की कृपा को उन्हीं की कृपा से उन्हीं की कृपा को ले रहे हैं। सिक्सटी सेवन नंबर श्लोक 18वां अध्याय 67 नंबर श्लोक 67 इदंति ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन ना चाश नचाशु सुश्रवे वाच्यम नाच माम यो अभ्यसूयति। ध्यान से एक एक शब्द को देखें। इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन नाचाशु सुश्रवे वाच्यम ना च माम जो अभ्यसूयति। आइए इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन ना चाशु सुश्रुष्टवे वाच्यम ना च माम यो अभ्यसूयति। भगवान का ये आदेश, इस आदेश को लोगों ने इग्नोर कर दिया। भगवान ने एक जगह कहा कि तुम जो भगवद गीता का प्रचार करता है, जो भगवद गीता के मेरे इन उपदेशों को जगत में प्रसारित करता है, वो मेरा सबसे प्रिय है। ये बात कही, लेकिन ये जो बात कही इसको सबने छोड़ दिया। इसमें कह रहे हैं इदम ते अतपस्काय अभक्ताय अश्रुषुवे। कहते इदम मतलब ये जो शास्त्र मैंने तुम्हें कहा, शास्त्र शब्द का अर्थ होता है जो शासन करके त्राण करे, शासन, शा
शासन त्रवसे त्राण, जो हमें शासन करके परित्राण करे, हमारा उद्धार करे, कल्याण करे, वह क्या है? शास्त्र। तो भगवद गीता जो है वो एक शास्त्र है, संशयों को जो नष्ट करे उसे शास्त्र कहते हैं। तो गीता में अर्जुन ने बहुत से संशय किए, प्रश्न किए, उनको भगवान ने नष्ट किया। तो इसलिए इसे जो है शास्त्र कहा गया। भगवान कहते हैं ये जो मैंने शास्त्र तुमसे कहा है इसको अतपस्काय, जो तपस्या नहीं करते शरीर से, काय अर्थात शरीर, तप अर्थात तपस्या, तप का मतलब होता है जो चाहता है वो ना दिया जाए, क्लेश दिया जाए, कष्ट दिया जाए, उसे तप कहते हैं। कहते अतपस्काय अर्थात जो अपने शरीर को साधन के लिए कष्ट नहीं देता, समझ लग रही है? शरीर को साधन के लिए कष्ट नहीं देता। या इसका दूसरा अर्थ भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते असंयत इंद्रियां, असंयत इंद्रिय अर्थात जिसकी इंद्रियां संयम में नहीं है, अभक्ताय, और जो अभक्त है, अशुश्रुषवे, जो परिचर्या विहीन है, शुश्रुषा नहीं है, जिसके अंदर संस्कार नहीं है, जो पवित्र अपवित्रता को नहीं मानता, यच और माम, माम दो बार बोला है, नित्य गुण विग्रह वाले मुझको अभ्यसूयति, अभ्यसूयति अर्थात माया से मेरा जन्म हुआ है, अभ्य ये संसार, सूयति जन्म होना, माया से मेरा जन्म हुआ है, मेरा शरीर माया वाला है, मेरे इस स्वरूप को, माम मेरे इस स्वरूप को जो ऐसा समझते हैं, अभ्यसूयति माया का शरीर समझते हैं, संसारिक मनुष्य की माफिक समझते हैं, ना वाच्यम उनको मत बोलना, ये मेरा जो शास्त्र है उन्हें मत समझाना। अब इस हिसाब से देखें तो बचा कौन? फिर तो कोई बचा ही नहीं, लगभग तो सारे आ गए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी इसके विषय में क्या कहते हैं? एवं गीता शास्त्रम उपदिश्य संप्रदाय वर्तने नियमाः इदमिति अतपस्काय असंयतेन्द्रियाय मनसश्च इन्द्रियान्यांच एकाग्रयम् परमं तपः इति स्मृते संयतेन्द्रियतत्वे इन्द्रित्वे सत्यप्यभक्ताय न वाच्यम संयत इंद्रियत्वे अपि भक्तित्वे अपि च सति अश्रुश्रुवे न वाच्यम ल संयत इंद्रियत्वातादि धर्म त्रय त्रय वत्त्वे अपि यो माम अभ्यसूयति मयि निरुपाधि पूर्ण ब्रह्मणि माया सावरण्य दोषम आरोपयति तस्मै सर्वैथैव नावच्यम। देखिए भगवान स्वयं कह रहे हैं और इस श्लोक का डेफिनेटली अगर अर्थ कोई व्यक्ति पक्के तौर पे श्लोक का अर्थ समझ कर गीता जी का अध्ययन करे, अध्यापन करे, तो शायद भगवद गीता का प्रचार ही ना हो पाए।
जब भगवान के बारे में कोई भगवत्ता भगवान की है ये जान ही ना पाए, भगवान भगवान है इसे कोई ना समझ पाए, अगर ये प्रचार इस दृष्टि से अगर भगवान जो बोलने मान लिया जाए। लेकिन भगवान ने कहा है तो उसे समझना जरूरी है। मतलब अगर तुम केवल यूं ही दे दोगे, भक्त के द्वारा नहीं प्रकाशित होगा, केवल गीता को अर्थ प्रकाशित करके दे दोगे तो हो सकता है कि वह किसी की समझ में ना आए, उल्टा समझ ले। इसलिए स्वामी महाराज जी ने बड़ी कृपा की, विश्वनाथ ठाकुर ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की कि भगवान के शब्दों को समझाने का प्रयास किया। हम समझे कितना है ये हमारे पे डिपेंड करता है। भावानुवाद कहते हैं, गीता शास्त्र का उपदेश प्रदान कर संप्रदाय प्रवर्तन का नियम बतलाते हुए कहते हैं, अतपस्काय अर्थात जिनकी इंद्रियां असंयमित हैं ऐसे व्यक्ति को उपदेश मत सुनाना। जिनकी इंद्रियां असंयमित हैं ऐसे व्यक्ति को उपदेश मत सुनाना। सारे ही असंयमित हैं लगभग, देखिए संप्रदाय के प्रवर्तन का नियम बतला रहे हैं। यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि कृष्ण संप्रदाय के प्रवर्तन का नियम बतला रहे हैं। संप्रदाय के प्रवर्तन का नियम क्या होता है? संप्रदाय जहाँ पर सम्यक रूप से प्रदान किया जाता है ज्ञान, सम्यक रूप संपूर्ण रूप प्रदाय प्रदान किया जाए, क्या ज्ञान, जहाँ संपूर्ण रूप से ज्ञान प्रदान किया जाता है, सम्यक रूप से ज्ञान प्रदान किया जाता है उसे संप्रदाय कहते हैं। उसका प्रवर्तन करना है, प्रवर्तन मतलब उसको आगे चलाना है, उसका आवर्तन करना है, प्रवर्तन प्रकृष्ट रूप से उसका वर्तन करना है, उसको वर्तना है, बराबर से जैसा है उस संप्रदाय को वैसा वर्तना, वैसा चलाना, जैसी संप्रदाय है उसको वैसा चलाने को प्रवर्तन कहते हैं। संप्रदाय प्रवर्तन का नियम बतलाते हुए ये बात कही है उन्होंने कि मुझे ऐसा आभास हो रहा है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की इस टीका से, कि कृष्ण का जो भगवत स्वरूप है, भगवत स्वरूप कहने का मतलब माधुर्य में नहीं, सखाओं से डांट खाता हुआ नहीं, जो भगवत स्वरूप है, माता के द्वारा कान पकड़ा हुआ नहीं, माखन चोरी वाला नहीं, जो भगवत स्वरूप है, सब कारणों का कारण स्वरूप है, वो वास्तविकता में हमारी संप्रदाय का उपास्य नहीं है, हमारी संप्रदाय के इष्ट तत्व में नहीं है। मालिक है, कर्ता धर्ता है, सबका ऊपर है, सबका कारण है, ये जो सबका कारण स्वरूप है इत्यादि, ये हमारे संप्रदाय का वास्तविकता में उपास्य स्वरूप नहीं है। लेकिन संप्रदाय का उपास्य स्वरूप नहीं है और हम कृष्ण के इसी उपास्य स्वरूप की, जो कि नंदनंदन के रूप में है, उसी उपास्य स्वरूप की अगर सबके सामने चर्चा करते हैं तो उसके लिए कह रहे हैं ये बात। क्या कहते हैं? शुश्रुषे अभ्यसूयति, जो लोग मेरे को माया में जन्म लिया हुआ या माया से निर्मित शरीर वाला समझते हैं उनको नहीं बतलाना, उनको नहीं बोलना। क्या नहीं बोलना? मेरे उस स्वरूप के बारे में जो स्वरूप तुझे बाद में मैंने तेरे मित्र वाला सखा वाला परम
इष्ट वाला जो तुम्हें बतलाया वो उसके बारे में नहीं बतला। तो विश्वनाथ जी की इस बात से मैं ऐसा आभास लेता हूँ जहाँ उन्होंने कहा संप्रदाय परिवर्तने नियम आह इदमिति, ये जो नियम है संप्रदाय के परिवर्तन का है कि भगवत गीता का उपदेश आप उन लोगों को दीजिए जो लोग कुछ श्रद्धा रखते हैं, जो लोग श्रद्धा नहीं रखते उनको जब माखन चोरी की लीला, उनको जब ये भगवान के चीरहरण की लीला, उनको जब माता के द्वारा शासन की लीला का वर्णन करोगे तो वो लोग भी इसका दुरुपयोग करेंगे। कैसा दुरुपयोग करेंगे? अपने गुरु के लिए बोलेंगे। जैसे किसी ने मुझसे कहा, मैंने कहा देख लो अपने नाम से गीता, अपने नाम से भागवत, अपने नाम से रामायण बनाने वालों का क्या हाल, आज जेल में है। उनका जवाब क्या था? ये है भगवान की लीला को माया का समझने वाले लोगों की दुर्बुद्धि। उनका जवाब था भगवान पहले जग जेल से आए थे, अभी भगवान जेल में गए हैं। समझ रहे हो? भगवान पहले जेल से आए थे, अभी भगवान जेल में गए। एक ने मुझे बोला, मैं तो पहले नाम ले करके बोलता था इन लोगों के, लेकिन अब नहीं नाम लेता। मैंने कहा क्या नाम लेना जवान गंदी करने वाली बात है, वैसे ही बड़ी कड़वी है। एक ने मेरे को बोला, मैंने कहा इतने बॉडीगार्ड लगे हैं, बंदूकें लेके चल रहे हैं, तुम्हारे गुरु को रक्षा करने के लिए तो तुम लोग ही तो बतला रहे हो कि भगवान है नहीं। वो कहते परमात्मा का रूप है गुरुदेव, जैसे मैया यशोदा कृष्ण को बचाने का भाव रखती है, कोई यशु ना आ जाए, ये ना आ जाए, वो ना आ जाए, लो जी। कहते इसीलिए भगवान के अस्त्र शस्त्र हैं, कहते इसीलिए ये संग उपंग है, उपंग नहीं बोला संग, मेरा शब्द है, कहीं इसलिए हम संग में रहते हैं कि हमारे भगवान जो हैं, भगवान लीला कर रहे हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है। ले लो। तो ऐसे लोग जो लोग अजितेंद्रिय हैं, जो लोग अतपस्काय अर्थात अजितेंद्रिय, जिन्होंने अपने इंद्रियों पे विजय प्राप्त नहीं की है, ऐसे जो लोग हैं उन लोगों को अगर भगवान की लीला सुनाने लगोगे, भगवान की लीला वह लीला जो मानुष्यम तनुमाश्रितम मूढ़ो मामा भी ना जानाती, मूढ़ व्यक्ति मुझे समझ नहीं पाता जो मनुष्य तन को आश्रित करके आता हूं। जैसे बहुत बड़ा पहलवान व्यक्ति जिसके डील डोल बड़े ही भयंकर शेरों जैसे दिखाई दें, वो अगर कमीज पहना हुआ हो तो उसको कोई नहीं समझ पाता, साधारण लगता है, मोटा सा लगता है। तो वो कमीज पहने हुए व्यक्ति को देख करके कोई भी बकवास भी कर सकता है, गाली भी दे सकता है, लेकिन जैसे अपनी कमीज को हटाता तो भीतर देख के सारे काम जाते, अरे ये तो भयंकर है। भगवान ने माया की एक कमीज को ओढ़ा है, एक शर्ट को पहना है, वो शर्ट जो है उसको देख करके लोग भगवान के श्रीअंग को भी माया का निर्मित समझते, जिसके कारण भगवान कहते जो ऐसे असंयत इंद्रिय हैं जो मुझे माम अर्थात मुझे अभ्यसूयति, मेरे को अभ्य मतलब होता है माया, ये जो शरीर संसार है अभ्य सुयति, इसके द्वारा सुयति समझता है, जन्म लिया समझता है, मेरे को उससे प्रकट समझता है, या जन्म लिया कुछ भी लगा लो, कहते उसको नहीं बोलो। समझा गए? आगे प्रभु श्री विश्वनाथ चक्रधीश, यदि कोई व्यक्ति अजितेंद्रिय हो किंतु भक्त ना हो, अजितेंद्रिय है भक्त है तो अलग बात है, अजितेंद्रिय है मगर भक्त है, मेरा भजन कर रहा है, जितेंद्रिय नहीं है उसकी बात अलग है,
तो उसे यह उपदेश मत सुनाना। अगर वह भक्त नहीं है, भक्त किसे कहते हैं? भक्त कहते भगवान के प्रति शरणागत भाव रखने वाला, भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करने की भावना रखने वाला। जो भावना रखने वाला है और जो रखता है भाव, जो शरणागत है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं, थोड़ा सा अंतर। एक समर्पित हो गया, एक समर्पित होना चाहता है, एक ने पा लिया, एक पाना चाहता है, एक पहुंच गया, एक चल पड़ा, ये दोनों ही भक्त है। एक ने मंजिल पा ली, एक मंजिल के नजदीक है। तो इसलिए कहते हैं अगर वह भक्त नहीं है तो मत सुनाना। अजितेंद्रिय, अजितेंद्रिय और भक्त होने पर भी अजितेंद्रिय है और भक्त है फिर भी अश्रुश्रु है, अश्रुश्रु, अश्रुश्रुष, अश्रुश्रु अर्थात श्रवण करने में आग्रह नहीं रखता, सुनना नहीं चाहता। आज जितेंद्रिय है, इंद्रियों पे विजय नहीं है, भक्त है लेकिन सुनना नहीं चाहता। आज जितेंद्रिय भक्त और सुनना ना चाहे, ऐसे कैसे हो सकता है? कहते ऐसे भी हैं, कुछ दो तरह के हैं ऐसे। एक तो ये कि जो भगवान को अंतरात्मा से चाहता है, वो कुछ नहीं, कोई ज्ञान का उपदेश नहीं सुनना चाहता, कुछ नहीं सुनना चाहता कि क्या दिया क्या नहीं दिया, मगर इंद्रियों पे विजय नहीं होने के कारण वो भगवान का नाम करने में भगवान के प्रेम को नहीं पा रहा है, परंतु इतना उसे विश्वास है कि बस कुछ भी है, कृष्ण ही मेरे सर्वस्व हैं, वही मालिक हैं, वही मेरे, मैं उनका, बस मैं उनका, वो मेरे, इस भाव में भावित। दो तरह के हैं बतला रहा हूं, एक ये इस भाव में भावित भक्त है लेकिन इंद्रियों पे विजय नहीं प्राप्त की हुई, भजन कर रहा है, सेवा कर रहा है, फुर्सती नहीं है उसको सुनने की, और सुनाने लगो तो समझ में नहीं कुछ आता, मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को भजन करने दो, और होता है ना वो, उसको जब पूछा जाए कोई बात, भिंडा भगत है, उससे कोई क्वेश्चन कर दिया, रोने लग जाएगा, भाग जाएगा। तो कहते हैं उसे मत सुनाना, वो आग्रह शून्य है, भगवान की बात को आग्रह युक्त नहीं है। आग्रह मतलब उसके अंदर में उसको ग्रहण करने के लिए इच्छा नहीं है, ज्ञान नहीं सुनना चाहता। अच्छा, एक तो ये हुआ, और एक है भक्त है, सकाम भक्त है, अजितेंद्रिय है, इंद्रियों पे विजय प्राप्त नहीं है, सकाम है, निष्काम नहीं। और सकाम भक्त होने पर वो भगवान है, सर्वशक्तिमान है, उसका भजन अनन्यता से करना चाहिए, निष्काम होकर करना चाहिए, वो नहीं सुनेगा, उसका उसमें आग्रह नहीं है, ऐसे भक्ति का जो क्रिया है वो कर रहा है, उसको भी मत सुनाओ। एक वो जो भक्ति कर रहा है, भजन में लगा हुआ है, बस जो भी है मेरे ठाकुर जी जो करना करेंगे, मैं तो बस सेवा कर रहा हूँ, वो कुछ नहीं सुनना चाहता, ले रख के झाड़ू ले करके चल दिया, बस चल भाई साफ सफाई करे, बस सेवा करे, यही बस। एक वो जो निष्काम रूप से भगवान की सेवा में लग गया है, भक्ति में लग गया है, संयत इंद्रिय नहीं है और सुनना का आग्रह भी नहीं करता, और एक वो सकाम है लेकिन भक्ति कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, सुनने का आग्रह नहीं, उसे भी नहीं सुनाना। जितेंद्रिय, भक्त और शुश्रु, शु, इन तीनों गुणों से युक्त यदि कोई मेरे को अभ्यसुयति, निरुपाधिक
पूर्ण ब्रह्म सचिदानंद बपू में माया मिश्रण का दोष आरोप करता है उसे भी कभी मत सुनाना। लो तो कहते उसे तो कभी मत सुनाना है। एक बड़ी विचित्र बात बोल दी। जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को जिसने जीत लिया, योगी ज्ञानी भक्त भी है, भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा भी है, अर्थात भगवान के प्रति कहने का मतलब ब्रह्म के प्रति शरणागत भी है, वह सुश्रुषु भी है, अर्थात वे पूरी तरह परिचर्या करता है, सेवा युक्त है। तीनों गुणों से युक्त होने के बाद भी तपस्या कर रहा है, साधन कर रहा है, शुश्रूषा, शरणागत है, भक्त, जितेंद्रिय है, इतना होने के बाद भी वो कहता है अगर ब्रह्म साकार रूप से आते हैं फिर निराकार में विलीन हो जाते हैं, जो साकार रूप धारण करते हैं वो हमारे बीच में आके हमारी तरह लीला करते हैं, ऐसा जो समझता है, भगवान को, भगवान के श्रीअंग को नृत्यशील समझता है, नश्वर समझता है, माया से निर्मित समझता है, कहते उसे तो बिल्कुल ही मत सुनाना। अब बताइए फिर बचा कौन? बचा ही नहीं कोई। ऐसी ऐसी अगर स्थिति हो, भगवान के सच्चिदानंद बपू, सच्चिदानंद बपू बोलने का मतलब जो हमेशा जैसे हैं वैसे ही सुंदर हैं, वैसे ही आनंददायक हैं, वैसे ही ज्ञानमय हैं, ऐसा जिनका श्रीअंग है, जिन जो स्वयं स्वरूप से ऐसे नित्य विराजमान हैं, उनको माया मिश्रित समझना। माया मिश्रण शब्द का प्रयोग किया यहाँ विश्वनाथ जी ने। सावरण्य माया सावरण्य दोषम आरोपयति, माया के द्वारा माया को भगवान में प्रवेश किया हुआ, एक तो है माया के द्वारा निर्मित जैसे हमारा शरीर, एक है भगवान नित्य तत्व है उनमें माया का प्रवेश, और एक है भगवान माया में आए, माया में प्रवेशित। ये तीनों अवस्थाओं में जो व्यक्ति भगवान की नित्य जो आनंदमय स्थिति है उसको नहीं मानता है, उससे कहते बिल्कुल ही मत कहो। तो ऐसे तो सारे ही हैं, जितने भी आप देखोगे 99.9% सब मायावादी, सब लोग ब्रह्म स्वरूप को मानते हैं, ब्रह्म को नित्य मानते हैं, जितने भी भगवत अवतार हैं उन सबको कहते ब्रह्म से आए, ब्रह्म में हैं, ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे, यतो वायमानी भूतानि जायन्ते ये नि जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्त, कहते वो प्रकट ब्रह्म है वो अप्रकट ब्रह्म है, जो प्रकट ब्रह्म है वो अप्रकट ब्रह्म में चला जाएगा, ये प्रकट अप्रकट में आप फंस गए होंगे। प्रकट ब्रह्म ये, इसको प्रकट ब्रह्म कहा, अप्रकट ब्रह्म जिससे ये हुआ उसमें ये विलीन हो जाएगा, वो अप्रकट ब्रह्म है, जो प्रकट नहीं है अप्रकट है, समझ लगी? ये शरीर में जब ब्रह्म का अवतरण हुआ तो ये प्रकट ब्रह्म हुआ, जो ब्रह्म का निराकार निर्विशेष ज्योत स्वरूप है वो अप्रकट ब्रह्म है। कहते ये जितने भी भगवान राम कृष्ण नरसिंह वराह कूर्म इत्यादि हैं, ऐसा लोग बोलने वाले जो हैं उनके लिए बात हो रही है, जो जितने अवतार हैं नरसिंह वराह भगवान राम कृष्ण इत्यादि के अवतार हैं वो सारे के सारे प्रकट ब्रह्म है, जैसे हमारे सद्गुरुदेव भगवान, और बाद में वो शरीर छोड़ने के बाद अप्रकट ब्रह्म हो जाते हैं, सारे के सारे उसी रूप में विलीन हो जाते हैं,
ऐसा जो बोलने वाले मूढ़ व्यक्ति हैं उनको तो तुम इस उपदेश को कभी मत बोलो। बताइए, मैक्सिमम तो यही है, तो फिर बात किससे करेंगे? क्योंकि वो मानेंगे, वो कहेंगे हाँ भगवान भगवान है, ऐसे कहेंगे भगवान भगवान है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं सद्गुरुदेव भगवान प्रकट हैं, उनकी शरण में जाओ। मेरे को एक ग्रुप मिला ऐसा, मैं अच्छी तरह से क्लास ली उनकी, वो हैं, नाम बोलूँगा उनका, नाम बोलना चाहूँगा, वो विष्णु राम कृष्ण इन तीनों अवतारों के बाद में उनके गुरु जी का फोटो है। सतयुग में विष्णु, त्रेता में राम, द्वापर में कृष्ण, कलयुग में सत्यानंद जी महाराज, वह तत्वदर्शी संप्रदाय है, तत्वदर्शी, तत्व दर्शन कराने वाले। मैंने उनसे प्रश्न किया, तत्व शब्द का अर्थ बता दो, दर्शन तो मैं बाद में बताऊंगा आपको, तुम तत्व तत्व करते रहते हो, तत्व का अर्थ बतला दो। हवा खुश्क हो गई, तत्व का अर्थ नहीं बतला पाए। मैं कह जो तत्व दर्शन कराने वाले चश्मा पहन रहे हैं उनके गुरुजी, तत्व दर्शन कराने वाले कोई अवतार ने चश्मा पहना? मैं तुम्हारे गुरुजी के बाल जो हैं उड़ गए, कोई भगवान के अवतार के बाल उड़े? दाढ़ी मुछियाएं शेव कर रहे हैं किसी अवतार के, ऐसा हुआ? उसने बोला चैतन्य महाप्रभु जी, उनके बाल उड़े, बाल काटे, उन्होंने मुंडन किया, उनकी दाढ़ी आई शेव की। मैंने कहा लेकिन वो जौवन से बुढ़े हुए, तुम्हारे तो गुरु के दांत गिर गए, बीमार पड़ गए और मर गया, शरीर छोड़ दिया, नाराज हो गए वो। मैंने कहा नाराज होने की बात नहीं, आप भगवत स्वरूप साक्षात भगवान कृष्ण के साथ, राम के साथ, विष्णु के साथ तुलना कर रहे हो, नित्य नव किशोर हैं वो, वो कभी ना तो बूढ़े थे ना बूढ़े हुए, नित्य नव किशोर हैं, उनके साथ आप तुलना कर रहे हो, आप तत्व दर्शन की बात कर रहे हो। वो है ना भगवान ने गीता में, यो माम वेति तत्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नायति माम इति, वो तत्व दर्शन हो, तात्विक दर्शन, गीता जी को मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, सारे वेद शास्त्रों को मानते हैं, लेकिन ऐसे मूढ़ व्यक्ति गीता जी के इन्हीं श्लोकों को अपने गुरु के लिए प्रयोग करेंगे, अपने नेता के लिए प्रयोग करेंगे, इसलिए इन मूढ़ व्यक्तियों को नहीं बतलाना। भले ही वो योगी हों, भले ही वो जितेंद्रिय हों, भले ही दिखने में भक्तिवान हों, लेकिन वो भक्ति भी उनकी भगवान के स्वरूप को, ये बात कही। कल को इसके अगला श्लोक 68 नंबर पढ़ेंगे, 18वां अध्याय, वन चक्र, बेस्ट ऑफ यू। आज 3 मिनट ज्यादा। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय ईश्वराय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपी।